Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं अमेजिंग वर्ल्ड में। आप सभी को पता है कि अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पर दुनिया के रहस्य, दुनिया के इतिहास और मंदिर मस्जिद की कथाओं के लेकर बारे में हम आते हैं। तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। चलिए, तो जैसा आप अगर थंबनेल देखकर आए होंगे या फिर टाइटल देखकर आए होंगे, तो टाइटल पे लिखा हुआ था कि हमारे देश में यानी कि भारत देश में जन्म को शुभ और मृत्यु को अशुभ क्यों माना जाता है। और ये लाजमी ये सवाल आपके जहन में भी ऐसा आता है कि आखिरकार जन्म पे लोग उत्साह होते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन जब आदमी कोई मरता है तो उस सिचुएशन में दुख मनाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। हमारे देश की विभिन्न प्रकार की समानताएं हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और विभिन्न प्रकार की घटनाएं हमारे देश में होती है। खास करके बात करें हम हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में जब बच्चा पैदा होता है, या फिर हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करें, तो जब भी कोई घर में बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर अच्छी तरीके से खुशियाँ मनाई जाती है, केक काटा जाता है और लोग इसको इंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। चाहे हिंदू धर्म की बात करें तो चाहे कोई भी त्यौहार मनाया जाता हो, चाहे जन्माष्टमी मनाया जाए, जिस तरीके से जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजा होता है और भगवान श्री कृष्ण जी का उस दिन जन्म हुआ था, तो वहाँ पे लोग खुशी मनाते हैं। और फिर जैसे रामनवमी की बात करें तो जिस तरीके से राम का जन्म हुआ था तो उस दिन रामनवमी मनाते हैं। मतलब कि हिंदू धर्म में बेसिकली ये है कि जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है या जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस सिचुएशन में लोग खुशी मनाते हैं, लोग सुखी मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है? कुछ तो होगा कि लोग इस सिचुएशन में अगर खुश होते हैं तो दूसरे वाले सिचुएशन में आखिर दुखी क्यों होते हैं। तो आइए मैं एक खास रिपोर्ट दिखाता हूँ। इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चल जाएगा आपको कि लोग जन्म को शुभ और मृत्यु को अशुभ क्यों मानते हैं। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म प्राचीनतम धर्म, यहाँ हर जन्म पर उत्सव होता है। हिंदू धर्म में आत्मा को नश्वर माना गया है। आत्मा न पैदा होती है और न ही मरती है, यह अजर अमर है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर इन तथ्यों को समझे तो कोई जन्म लेता है तो उसके साथ कुछ पॉजिटिविटी आती है जो जीवन हमारे कुछ अच्छा होने का संकेत देती है, जबकि मृत्यु एक नकारात्मक संदेश है। हिंदू धर्म में हमेशा से ही देवों के जन्म को मनाने की प्रथा रही है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का उत्सव जन्म अष्टमी हो या फिर भगवान राम का जन्म उत्सव, भगवान हनुमान का जन्म आदि को हिंदू धर्म में जयंतियों के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जब भी भगवान ने किसी भी रूप में धरती पर जन्म लिया है और उस अवतार को देह त्याग कर अपने स्वरूप में फिर से समाहित हुए हैं, परंतु उनके उस देह त्याग को हिंदू धर्म के किसी भी रूप में नहीं मनाया जाता है। इसके विपरीत ईसाई धर्म के लोगों द्वारा कैलवरी में ईसा मसीह को शूली पर चढ़ाने के कारण हुई मृत्यु के उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है और लोग गुड फ्राइडे के दिन दोपहर बाद चर्च में एकत्रित होकर लगभग 3 बजे प्रार्थना करते हैं। इस्लाम धर्म में मुहर्रम मातम मनाने और धर्म की रक्षा करने वाले हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का दिन है। मुहर्रम के महीने में मुसलमान शोक मनाते हैं और अपनी हर खुशी का त्याग कर देते हैं। इन दोनों ही धर्मों में मृत्यु के बाद उनके देह को कब्रों में दफन कर दिया जाता है और उस पर कब्रगाह बना दी जाती है और लोग समय पर उन कब्रगाहों में जाकर उनको याद करते हैं। मुगल राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए थे, पर मुगल शासक आज भी दफन है। इन दोनों ही धर्मों में मृत्यु के उपरांत काफी तवज्जो दी जाती है, जिसके कारण ही ईसाई व इस्लाम धर्म में कब्रों और मकबरों को बनाया जाता है। परंतु इसके उलट हिंदू धर्मों में इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद ही जल्दी ही उसको शमशान घाट पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और एक विशेष रीति का अनुसरण किया जाता है जिससे उसकी स्मृतियां नष्ट हो जाए। इसके बाद शमशान घाट को छोड़ते समय पीछे की ओर देखने को मनाही होती है और इस धर्म के लोग किसी भी चीज़ को उस मृत शरीर के संपर्क में आती है तो उसको नष्ट या घर से हटा देते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक निश्चित मार्ग नरक स्वर्ग की ओर चलती है और जब तब तक उनके मुक्ति के लिए धार्मिक क्रियाएं की जाती है। हिंदू धर्म में कई धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत, रामायण, भागवत पुराण, जिसमें रामायण और भागवत पुराण को विशेष महत्व दिया गया है। इसका पाठ हिंदू धर्मों में शुभ कार्यों में किया जाता है। इससे रामायण में भगवान राम को जन्म का सुंदर वर्णन
किया गया है और भागवत पुराण में श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन है, जबकि महाभारत में भगवान कृष्ण के जन्म को वर्णित नहीं किया गया है। हालांकि रामायण में रावण के वध का भी वर्णन किया गया है, इससे अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि हिंदू धर्म में धार्मिक गुरुओं की समाधि एक परंपरा रही है, परंतु सांसारिक जीवन में हिंदू समाज ऐसा नहीं होता है। केवल आध्यात्मिक गुरुओं साधु संतों में कुछ अति पूजनीय के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि कुछ नेताओं राजाओं को भी मरणोपरांत उनके स्मृति स्वरूप स्थल बनाए गए हैं। न्यूज रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि जिस तरीके से भारत की विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं में जिस तरीके से हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म या फिर सिख ईसाई धर्म की बात करें तो लोग इस प्रकार के सिचुएशन में खुशियां मनाते हैं, और जब कोई मर जाता है या फिर घर में जब कोई ऐसी घटनाएं घटित होती है तो लोग उस सिचुएशन को अशुभ मानते हैं। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.